हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं 11 और अभी हम उठे हैं एंड ओरियो भी नहीं उठा अभी तक। फिलहाल चलते हैं नीचे। देख, उठ गया ना, चले कहो तो उठ जाता है। बाहर तो इतनी तेज धूप हो रही है ना, 11 बजे ही। चलो जल्दी चलो, चलो चलो नीचे चलो। तो गाइस, अभी हम ऊपर से नीचे आए हैं उठ के, तो गुड न्यूज आई है कि पीयूष का रिजल्ट आ चुका है। तो अब जाओगे स्कूल में? मम्मी को कह रहे झाड़ू तैयार रखो। और बाहर ये देखो गर्मियों में ये देखो गर्मियों में पीयूष का भी ये करा देते हैं। करा दें? आप स्कूल जा रहे हो क्या? अरे कोई बात नहीं, रिपोर्ट कार्ड तो लेके आना है। मास्क तो लेके जाओ, बिना मास्क के कहाँ जाओगे? बेस्ट ऑफ लक, आगे पिटने के लिए तैयार हो जाइयो। उठते ही सीधा स्कूल चला गया बिना मुंह धोए अपना रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए। पीयूष आ गया अपना रिपोर्ट कार्ड लेके। चलो 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 चलो, आओ जल्दी आओ। कहाँ है रिपोर्ट कार्ड? कहाँ है नीला? बता कहाँ है रिपोर्ट कार्ड, बता दे कहाँ है तेरा रिपोर्ट कार्ड, कहाँ है? पता नहीं रिपोर्ट कार्ड आया है या नहीं आया, वो तो मना कर रहा है, दिखा भी नहीं रहा, कहीं छुपाया है उसने। फिलहाल तो मेरे को नहाना था, मैं नहाने जा रहा था, तो अभी नहा लिया है। अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट देखो 1 बजने वाले हैं। मम्मी गुस्सा करेगी, अभी तो कुछ खाना है तूने खाया नहीं। तो आज है ब्रेकफास्ट में दही आलू और रोटी। नहीं आया ना तेरा रिजल्ट आज? अगली मोर शुभम से पूछूंगा। देखो, जो लोग बोलते हैं ना ड्राइंग बनाने में इतना टाइम क्यों लगता है, मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, जिनको पता नहीं है। जैसे कि मैं अभी साहिल के आईब्रोज बना रहा हूँ, तो जो इसके एक एक हेयर है ना, मुझे अच्छे से पेंसिल से बनाने पड़ते हैं इस तरह से कुछ, तभी वो रियलिस्टिक लगते हैं, बिल्कुल पेशेंस के साथ। ठीक है, अभी तो मैं साहिल के बना रहा हूँ, अभी ये भी बनाना है, पीयूष के भी बनाने हैं, पापा जी के, मम्मी के। इसी तरह से एक एक पार्ट को बनाने में बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए होता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, घंटों की मेहनत लगती है, तभी जो आर्ट वर्क है वो काफी रियलिस्टिक लगता है। और ये पीछे सो रहा है आराम से, देखो बेड पे आराम से। तो अभी कुछ सब्सक्राइबर्स मिलने के लिए आए हैं दूर से, जबकि मैंने मना कर रखा है कि अभी इतना कोरोना फैल रहा है कि मत आया करो, तो रिक्वेस्ट कर रहे अब तो जाना ही पड़ेगा ना। कहाँ से आए हो? मास्क ऊपर करो। मैं गर्व की मदर हूँ, ये कुशल की मदर है। गर्व? हाँ, थैंक यू मत बोलो, तीन लोगों की मदद करना, उन तीनों को बोलना आगे तीन की मदद करें। वाह वाह, थैंक यू। फिर आएंगे आराम से। हाँ जी जरूर। कोई नहीं, अच्छा हो जाएगा, एक दो महीने के बाद तो हो जाएगा ठीक ठीक होएगा। तो आंटी कैसे आपकी चाय भी पी? ये उछल जाएगा ना, ये उछल जाएगा दूर से, ये उछल जाएगा। आराम से आएंगे फिर, ठीक है ना? हाँ हाँ, एक बार कोरोना ठीक हो जाए। ठीक है, ओके चलो, और अंदर चलो, इनको सैनिटाइज कर ले यार। देखो भाई, जो ये टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पे हमने सब्सक्राइबर से मिलना बिल्कुल बंद कर रखा है, जो भी लोग बाहर से मिलने आते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क है, कोरोना इतना बढ़ रहा है, इसीलिए हम किसी को अंदर भी नहीं बुला रहे। यूजली आपने देखा होगा ब्लॉग में, मिलने आते तो हम अंदर बुलाते, स्टूडियो भी दिखाता था मैं, बट अभी सिचुएशन बिल्कुल खराब है, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा था कि प्लीज अभी मिलने मत आओ, घर में रहो, सेफ रहो। इवन घर से बाहर निकलना इतना ज्यादा सेफ नहीं हमारे लिए। एक बार ये सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद अच्छे से मिलेंगे ना। मैं खुद आऊंगा मिलने के लिए, मैंने प्लान करा है कि मैं इंडिया में सारी सिटीज में जाऊंगा घूमने वगैरह के लिए, तो वहाँ मीटअप भी प्लान करेंगे, पूरा अच्छे से मिलेंगे एक एक से, तो वो होगा अच्छे से एक बार ये सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसे में आपकी लाइफ भी डेंजर में होगी, हमारी भी होगी। कितनों से तो मैं मिलता भी नहीं हूँ, वो वापस चले जाते हैं। अब फिर ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे तो जाना पड़ा नीचे। बच्चे कह रहे थे अनबॉक्स करना वीडियो में दिखाना, मैं चलो दिखा देते हैं। सैनिटाइज कर लिया मैंने अच्छे से, तो इसमें ड्रॉइंग का सामान, डॉम्स का एक लेटर है। अरे वाह, तो ये है गणेश जी, यहाँ पे अपने टेबल पे रख लेता हूँ, यहाँ पे पीछे। तो अभी कार के खेलने वाला बच्चा है क्या? कुनाली को दे देंगे। आजकल रोज शाम के टाइम पे मौसम बिल्कुल खराब सा हो जा रहा है। अभी 4 बजे हैं, बब्बू उड़ रहे हैं बहुत सारे, और ये यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कैसे देखो कितने सारे बब्बू उड़ रहे हैं। ये पेड़ है नीचे बब्बू वाले। अच्छा पेड़ है, जो ये पेड़ है ना दूध वाला। यार कितने मस्त लग रहे हैं उड़ते हुए, देख भाई सब कितने प्यारे लग रहे हैं। ये यहीं से आ रहे नीचे से, वही तो मैं कह रहा हूँ, कितने देखियो चारों साइड क्या हो गए। 3 बब्बू मेरे हाथ में अभी फिलहाल, अभी उड़ते मस्त है ये। एक बब्बू ये रहा हमारा, और ही बब्बू गई नीचे गई भाई, यही तो पंगा है ऊपर खेलने का, कभी यहाँ चली जाएगी कभी यहाँ चली जाएगी। मास्क कहाँ है? बहुत बड़ा सब्सक्राइबर हो, पहले बताओ मास्क कहाँ है, जेब में क्यों रखते हो? कहाँ से आए हो? सफेदो गांव है। क्या फायदा मास्क लगाएंगे जब नीचे ही कर लिया, तो मास्क को ऊपर तो करो, नीचे नहीं आ सकता यार, दूर से फिर है? दूर से ठीक है। औरी औरी औरी, अरे कुछ कुछ नहीं करता, अरे कुछ नहीं करता, अरे कुछ नहीं करता, खड़े रहो खड़े रहो। और इधर मैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा हूँ, और तू उसके पास जा रहा है, इसके लगेंगे।
चल अंदर अंदर चल अंदर ठीक है। मास्क ऊपर मास्क ऊपर। थैंक यू घर में रहो सेफ रहो। क्या है तुझे क्या हो रहा है? सर 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 भाई तुम मत खेलो यहाँ पे, फिर जाएगी बॉल यहाँ पे। तुमने फिर मास्क नीचे कर लिया। मास्क ऊपर रखो, मास्क को नीचे मत करो। भाई तुम लड़ाई करते रह जाओ। और ये बॉल ले गया यार। ये बारिश आ क्यों नहीं रही है? बादल ही बादल हो रहे हैं। बारिश तो आ जा भाई, इसके मुंह में तो आ नहीं रही बॉल। भाई फिल्टर लग रहा है वो, देख सब कैच सही पकड़ रहा है वो। अगर मान ले ओरियो ने एकदम से डायरेक्ट मुंह में ले ली तो आउट है। हाँ ये ठीक। अगर वन टिप भी ले ली ना ओरियो ने, हाँ आउट हो गया। देख आउट हो गया। चलो दो 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 री दे दे लू। वन टिप लो, वन टिप भी आउट है, टू टिप भी आउट है। अगर मुंह में ले ली तो ही आउट है। हाँ ओरियो ने अगर मुंह में ले ली तो आउट है। हम बचाने की कोशिश करेंगे, अगर ओरियो ने ले ली तो आउट है। तेज मत मार, आउट आउट आउट। और ले ली मुंह में, आउट आउट भाई, आउट आउट आउट। भाई और ने पकड़ ली तो आउट है। आजा यार तू चीटिंग क्यों कर रहे हो? बॉलिंग दे यार, तुम लड़ क्यों रहे हो यार? और तू रुक जा यार, तू बीच में क्यों आ रहा है? अगर हमारे साथ खेलना है तो हमारे रूल के हाथ को चलना पड़ेगा। तू रो क्यों रहा है? मुँह देखो, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज धूल आ रही है, आंखों में चली गई है। मेरी बैटिंग दो। क्या? मेरी बैटिंग दो। तो पहले रो तो ले, फिर देखूंगा तेरी बैटिंग। पीसी मान ले बारिश आई, बारिश में मैगी खाए गरम गरम। खाने के नाम पे तो हंस जाएगा। कौन कहेगा अभी 4:18 हो रहे हैं, मौसम देखो पूरा अंधेरा हो गया चारों साइड। वो बिजली कड़की थी वहां पे अभी। यार तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? बिजली कड़की तुम्हारे ऊपर? बिजली कड़की तो क्या हुआ? कौन है? नवीन है। तो एक्चुअली अभी कैसी ना, अभी हम मार्केट जा रहे हैं, एक बहुत अर्जेंट काम था। मंडे तक लग रहा है हमारे यहाँ लॉकडाउन, तो उसके बाद हो नहीं पाएगा। हमारे पास एक ही घंटा है, और अगर कुछ सामान लेना होगा तो सामान भी ले लेंगे। मेरे को मैगी लेनी है, मैगी। वैसे सड़कों पे कोई है तो नहीं, खाली खाली है सड़कें सारी। तो भी कुछ कुरियर्स लेने थे, ये लेने के लिए आए थे हम। अच्छा हुआ स्कूटी लेके आए हैं, स्कूटी में सारे आ जाएंगे। सामान को सबसे दूर रखियो, पहले सैनिटाइज कर लेंगे। यहीं पे करेगा, इतना काफी है क्या? तो सारा सामान हमने सैनिटाइज कर लिया अच्छे से। मैगी भी करनी है। ओ ओलू सोडा आ गए हैं। तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड नहीं आया आज? क्यों गए तो थे तुम स्कूल? तो गए थे मंडे के बाद आएगा। अच्छा मंडे के बाद, अब मंडे को पक्का। तो फिलहाल मैं अब अपनी बाइक को साफ कर देता हूँ अच्छे से, बहुत ज्यादा मैं गंदी हो रही है। खाली बैठे हैं तो यही करेंगे। I never really had a place to call my own, so I travel and I roam till I find that, but I'm full of air. तो अभी थोड़ा बहुत गीले कपड़े से ही मैंने इतनी साफ कर दी है, अब इसको अंदर देता हूँ और ढक देता हूँ अच्छे से। पानी गंदा हो गया काफी, देखो। मैंने सोचा घर भी बैठे कुछ तो करना है, बाइक खुद ही साफ कर लेते हैं, क्यों बाहर जाना। फिलहाल भूख लग रही है तो दिन के चावल पड़े होंगे वही खा लेता हूँ। तो अभी मैं खाऊंगा चावल विद आलू की सब्जी, फेवरेट। तो खाना खा लिया है, फिलहाल अब हम बनाएंगे मैंगो शेक। थैंक यू बाबा जी आम लाने के लिए, थैंक यू सो मच। ओनली एक ही आम का बना रहे हैं हम, सिर्फ मेरे लिए। इतना दूध काफी है एक गिलास के लिए, तो इसको डाल देते हैं सिंपली आम के अंदर। तो चलो मशीन की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मम्मी जी ने देसी जुगाड़ बना रखा है मशीन को ढकने के लिए। ये अपना काम बनता, बहुत गाढ़ा बनाए। तो क्या फोड़ दिया? विंडो। ओ भाई साहब पूरा गाइस कांच ही कांच हो गया यहाँ पे। यार जरूरी होता है यहाँ पे खेलना, तेरे को मना कर रहा था मत खेल, उसके पैर में लगेगा। ये वाली विंडो भी टूट सकती है पता तेरे को, ये भी कच्ची है, पक्की नहीं है। अरे बड़ा खेलने वाला खेल तो ही रहा था। तो अभी रात के बज रहे हैं 10:22, और अभी थोड़ी देर पहले कुछ सब्सक्राइबर्स मिलने के लिए आए थे, अराउंड 6-7 जने, दो बाइक पे थे। तो मैं आपसे गाइस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज इस टाइम पे भी मिलने के लिए मत आओ, बहुत ही ज़्यादा सीरियस चीज़ है। आप लोग हल्के में ले रहे हो क्योंकि आपको पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। देखो जिन लोगों को हो रहा है उनकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ रहा है, उनकी फैमिली में कितनी प्रॉब्लम आ रही है। तो प्लीज़ समझो गाइज, मेरी बात मानो, घर में रहो, सेफ रहो। लास्ट ईयर की तरह नहीं है, लास्ट ईयर तो हम भी ऐसे फ्रीली घूम रहे थे, बट जो अब की बार की स्टेज है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। जो लोग भी आए थे मैंने भी उनका रिकॉर्ड तो किया था, बट वो मैं नहीं डाल रहा, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। रात के 11:30 बज गए हैं, तगड़ी वाली बाहर आंधी आ रही है, लाइट भी चली जाएगी फिर तो। देखो बारिश दिन तो वो ठीक था, बट ये धूल बहुत बेकार होती है, पूरी अंदर भी आ गई है, स्टूडियो के अंदर पूरा धूल ही धूल से भर गया। ये देखो मिट्टी मिट्टी हो गई पूरी। तो अभी रात के 1 बज गए हैं, फिलहाल मैं ड्राइंग कर रहा था, और अभी भी एक चीज़ नोटिस की मैंने कि
कि मेरा एसी कूलिंग ही नहीं कर रहा है। इतनी देर से ऑन कर रखा है मैंने, बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो रहा, पसीना आ रहा है मुझे। फिर मैं ऊपर गया, ऊपर देख के आया, आउटडोर चल नहीं रहा, मतलब उसका फ्यूज साइज फिर से उड़ गया। रात भर मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा, और जो भी यहीं पे है। आंधी आई थी ना तो क्या पता उसकी वजह से खराब हो गया हो, बट नहीं होना चाहिए यार। पीयूष और साहिल कंप्लीट हो गया है, मम्मी और पापा जी रह गए थोड़े बहुत, और एक और पोपट हुआ मेरे साथ में भी। मैंने मैगी बनाई ये देखो ओवन में, और बिल्कुल ख़राब बनी है ये दिखने में तो अच्छी लग रही है, अगर अच्छी होती तो मैं खा ही लेता पूरी, बट खाने में ना कुछ अलग ही टेस्ट आ रहा है इसका, मैगी वाला टेस्ट आ ही नहीं रहा, क्योंकि ओवन में ना गर्म होती हैं चीज़ें, उबलती नहीं है, मैगी को तो उबालना पड़ता है ना। तो यहाँ एक पोपट हो गया, बट चलो जो भी है, फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, फिलहाल मैं सो ही जाऊँगा अब, जैसे जैसे पंखा को फुल कर लूँगा, दोनों पंखे चला लूँगा और तो क्या करेंगे। तो बस आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत फनी बात थी, मुझे मैं तो हंस के पागल हो गया, देख मैं हंस के मेरे दांत कैसे हो गए हैं, देखियो अरे बड़ा, दो कौड़ी के तो जॉक होते हैं तेरे। We go way back, all the situations, circumstances, still we don't mind. Steady going on, I dance around the street like